हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फरहान इकबाल और अभी हम मौजूद हैं संजरपुर में। यहाँ पर जो है हमारे साथ मौजूद हैं एहसानुल हक साहब, जिन्होंने कल बहादुरी की जो है एक नई दास्तान रकम की है। डाकू जब इनके स्टोर पर आए हैं तो इन्होंने जो है ना सिर्फ आगे से मजामत की, बल्कि उसका पिस्टल जो है नीचे गिरा। जब उनको सर पे उन्होंने मारा था तो पिस्टल गिरा, पिस्टल उठाया और उसके पीछे भागे हैं। तो एक ऐसे हालात में जब सादकाबाद में लोग खौफ की फ़िज़ा महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर लोग अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, और इन्हें 78 साल बुज़ुर्ग ने जो है शुजात की नई दास्तान रकम की है, इनसे हाल अहवाल करते हैं। बुज़ुर्गों, ये दसो कि की खाते पीते रहे हो तुझे इन्नी बहादुरी आ गई? बस जी, खाना पीना तो जो अल्लाह का मुकद्दर हुंदा वही हुंदा। मेरे नानी, मेरी अम्मा मैनू खाने वास्ते बस अभी मझां सीगियां सूईयां खाने वास्ते देंदे सी। मेरे जवानी मेरी ताकत सी, हूँ तो बुढ़ापा हो गया तो मैं कौड़ी शौड़ी भी खेलता रह गया, अपने खेती बाड़ी का काम कर रहा। डाकू आए ने, उन्हें तो पैसे मंगे ने, तुसी की महसूस किया? पिस्तौल हाथ लेके उन्होंने जी, मैं कुछ नहीं, पहले मैं तो गले से बैठा है ना, मेरे मुंडे ने आके उन्हें पिस्तौल दिखाया, वो हाथ खड़े कर दिए। हाथ जिसले खड़े कर दिए तो मैं जिस निगाह मारी तो मैं मुंडे से हाथ खड़े किए, मैनू नहीं पता लगा भी उन्हें पिस्तौल दिखा के आया। मैं जिसले मेरे को आए ने ना, एक मेरे गले वाला आ गया पैसे कढ़ने वास्ते, तो दूजा कहना बाबा जड़े पैसे है कि कढ़ दे बाहर। मैं क्या तेरी दिता ऐसे तैसे पैसे लैन वाले जी। मैं खड़ा हो गया, खड़ा हो गया तो मैंने पिस्टल दिखाया उन्हें। मैं पिस्टल तो डरिया नहीं, नहीं डरिया जैसे लेना, तो फिर मैं वो मेरे में मारन लगा, उन्हें भी हाथ मारे, मैं भी उन्होंने हाथ मारे। दो दफ़ा उन्हें मेरे पिस्टल पिछले पास मारे, हाँ, तीसरी दफ़ा वो को पिस्टल छुटा तो मेरी कुर्सी से थले चला गया। फिर पता लग गया कि पिस्टल डिग गया? हाँ जी, मैंने पता लग गया, मैं कुर्सी से बैठा सी ना। अच्छा। फिर मैं पिस्टल चक्या, चक के मैं उन्होंने पीछे जिसले गया, मैं बाहर जाके मैं फायर करना पर मगर पिस्टल चलिया नहीं, गोलियां सी गियां। अच्छा। अल्लाह जानदा कि अल्लाह ताला ने उदियां गोली विच फसा दी या की हो गया। वो मेरे मालिक जी रबन जी, बस वो बाहर एक जरा उन्होंने साथी खड़ा सी, मोटरसाइकिल चलता सीगा तो उदे उते जाके बैठे तो दौड़ गया। मुलाजम महसूस थोड़ा जो होया, मैं महसूस नहीं किया, मैं क्योंकि सीटा लैन वाला या कोई चाह पानी लैन वाला सौदा लैन वाला है। जिसले उन्होंने ना इधर उधर इधर चक्कर देखा फेरिया मारिया तो उन्होंने कोई शह नहीं ना नजरी बे बंदा होर है नहीं गा, यह मुंडा या वो मुंडे नूं दिखाया पिस्तौल, उन्हें हाथ खड़े कर लिया, उन्हें हाथ खड़े कर लिया, फिर मेरे तरफ आया। एक कैमरे लाने दा किदा तैनूं ख्याल आया कि दुकान च कैमरे होणे? कैमरे जी पहले लाए सीगे असीं, मेरा वड्डा जिहड़ा बच्चा वा इमरान नां उहदा, उन्हें शौक सी कैमरिआं दा, पहले उन्हें कैमरे लाए सी। एक मुलाजम रख्या सी, वो मुलाजम दोनों लड़दे सीगे, उन्होंने उत्ते जाके छाते लड़दियां नूं देख के तां उन्हें कहा भी तुसीं दोनों छुट्टी करो। वो एक मुलाजम जरा उन्हें जनाब आई कुछ थोड़े दिनों के बाद आके साड़ी दुकान भनी। अच्छा। वो समान कढ़िया, कैमरे कैमरे कढ़े, उस जड़े शैंपू वगैरह वो एक छापर भरिया, पैसों का भी उन्होंने पता से एक पैसों का छापर भरिया, तो बावजूद वह निकल गया, निकल गया तो बाहर पुलिस के हाथ आ गया। अल्लाह ताला ने उन्होंने भी नहीं रस्ता दिता भी तू जा, तो वो फिर पकड़वाया, वो जो फैसला चार भाइयों ने किया। आज की जी नौजवान नस्ल है वो की पैगाम दोगे? आज के नौजवान जड़ी है ना वो बोझ दे ली है, समझी? सही। दिल वाला नहीं है, मोबाइल च मगर ने, बस एक शायद बस टिक टिक लगी रहे रात दिन। सही है। हाँ जी मार कुट की होनी तो भी पकड़ के लाए होने, समझे? एक इना मुंडा सीगा, कहिंदा यार मैं उत्थे जांदा सी ना जिसले सब्जी वेचण, तो ये शख्स जिहड़ा ना वो कैमरे देख के कहिंदा भी ये शख्स जिहड़ा वा ना इन्हें ये मेरे को सब्जी लै लेंदा सी, मैनू कहिंदा सी पैसिया नहीं भाजा नहीं तो कुत्ता खड़ा है छोड़ दे सा। अच्छा। चलो उन्हें घर मैं दिखाना इस शख्स का, उन्होंने नाल लगी है पुलिस, उन्होंने गड्डी बैठा रहन दिता, बंदे जिहड़े साढ़े इत्थों गए से उन्होंने चारों तरफ घेरा पाया, तो पुलिस अंदर वड़ गई है, बंदे 5-6 बंदे उन्होंने पकड़ के लै आई सी।
ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਟਾਈਮਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਛੋਟੀ ਮੈਂ ਜੋ ਛੋਟੀ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਸਹੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜ ਗਈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਮਾਮੂਲ ਹੈ ਸਵੇਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਹਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਤਸਵੀਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਹਮਾਰੇ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਕੇ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਕੇ 78 ਸਾਲਾ ਅਹਿਸਾਨ ਅਹਿਮਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਡਾਕੂਓਂ ਕੋ ਭਾਗਨੇ ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਆ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕੂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤ ਮੇਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਅਬ ਜੋ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਕਾਮ ਹੈ ਇਨਕੋ ਸਰਾਨਾ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ ਇਨਸੇ ਜੋ ਹੈ ਇਨਕੀ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਕੋ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਆਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਜਨਾਬ ਡੀ ਪੀ ਓ ਰਹੀਮ ਯਾਰਖਾਂ ਔਰ ਜਨਾਬ ਡੀ ਸੀ ਰਹੀਮ ਯਾਰਖਾਂ ਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਹਿਸਾਨ ਅਹਿਮਦ ਕੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਮੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਕਰੀਬ ਕਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਇਨਕੋ ਸਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਆਜ ਹਮ ਇਨਕੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੇ ਲੀਏ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਏ ਹੈਂ, ਕੱਲ ਜਬ ਹਮ ਇਨਕੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੇਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੇਂਗੇ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬਹਾਦਰੀ ਕਾ ਮਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਂਗੇ। ਯੇ ਜੋ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮ ਇਨਕੋ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾ ਇਮਾਨੀ ਸੇ ਇਨਕੋ ਜੋ ਹੈ ਭਾਗਨੇ ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਂਗੇ।